चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की हॉट अदाकारा काजल राधवानी के एक ताजा बयान ने की जैसे सोशल मीडिया पर भूकंप ही मचा के रख रखा और सोशल मीडिया पर काजल राधवानी के फैंस काजल राधवानी के जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी के अपराध में करीब 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम के दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा भुगतनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने बाबा राम रहीम पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जो बहुत कम ही माना जा रहा है। इस पर भोजपुरी की हॉट अदाकारा काजल राधवानी ने कहा कि ऐसे बाबा पर कार्रवाई करके सरकार ने के साथ साथ सीबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसे पापी बाबा से हमें बचकर रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी फैमिली को भी ऐसे पापी बाबा से बचाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ काजल राधवानी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी धर्म और हमारा सबसे बड़ा पूजा हमारा माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा पूजा के साथ साथ और हमारा धर्म होना चाहिए। आपको बताते चले कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक के पास सुनरिया की जेल के पुस्तकालय में बनाई गई विशेष अदालत में यह बाबा राम रहीम पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बीते शुक्रवार बाबा गुरमीत राम रहीम को 1999 में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने में दोषी करार दिए गए थे। मामले में शिकायतकर्ता 2002 में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने जहां बाबा राम रहीम के सामाजिक कार्यकर्ता और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबा राम रहीम की इस याचिका को ठुकरा दिया।